आप यहां से बैटरी ले गए चार्ज करा के रूम में, आप सोचे आप पूरे मन से पढ़ेंगे, उधर से आपका दोस्त आया, काले आदमी का बोल मिला के कह दिया भैया, आपने धीरे से कह दिया, वो भी बैठ, वो क्या किया कि आप ही के बैटरी में टोका फंसा दिया धीरे से, जो बैटरी एक सप्ताह चलता है पूरा पड़ता, वो लड़का अपने रूम में रूटीन ठीक करता, वो तीन दिन में उसका बैटरी डाउन, कई होता तो प्लेन प्लेन सब मिला देता है, थोड़ा कुछ नहीं छोड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब्जी बेचने की स्थिति में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें कभी कभी दुखद आश्चर्य होता है ना बेटा, यानी नाश के हो छो क्रिमिनल्स और कहता है हो टाइट जींस पे नहीं हो, मेरा जमाना जब नहीं सिले नहीं खाती, ये क्वालिटी का ही बात है, बार बार एक चीज अपने रूम में लगा लीजिए, आने वाला समय क्वालिटी का है, जिस जो जितना अपने को क्वालिटी वाला बनाएगा वो हर क्षेत्र में सफल होगा। लोग कहता है बालू से तेल नहीं निकलता है, भाई मेरे बालू से भी तेल निकाला जा सकता है अगर आपके अंदर वो ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है। अभी हम लोग शांति को गए थे, वहां भाई मिले तो पहाड़ पर हजारों पेड़ लगा दिए, कौन पहाड़ पर, सूखा पहाड़ पर जिस पर कुछ भी नहीं होता था, हजारों की संख्या में पेड़ लगा दिए। कल को बोला इतना ही बोला जी से पूछे क्या नहीं हो सकता, आप सिर्फ सोचते, लेकिन आप अपने विचार को गंदा कर रहे हो, ये वैचारिक रूप से जो आप नीचे गिर रहे हो इससे अपने को बचा लीजिए। पौधा लगा है उसको घेरा डाला जाता है, क्यों, कोई जानवर चरना ले, इस दुनिया में आए हैं मजा लीजिए, मजा लेने से रुकावट नहीं है, मजा लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में मैं पिछले दिनों भाइयों को बताया, रामकृष्ण परमहंस कहते थे बेटा ये दुनिया चीनी की चाशनी है, मन लग जाता है, चीनी की चाशनी देखा है कभी, हलवाई के दुकान में देखे होंगे चीनी का चाशनी, उस पर मक्खी जो है हम आप मान लीजिए मक्खी है, मक्खी क्या करता है किनारे सट के टेस्ट लिया फिर उड़ जाता है, कुछ मक्खी ज्यादा समझदार होता है, चबूतरा उतरा जो बने रहता है चल चल किनारे से क्या देख रहे हैं बीच में चल नहीं ठीक किए तो आपके दुर्दशा को रोकने वाला
वादा नहीं किया, कोई भगवान हमारा पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए आप यहाँ आए हैं, बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं आपसे, भैया संभल जाओ, संभल जाओ। गाड़ी के पीछे लिखा होता है, कभी कभी आदमी पढ़ा होगा, लटक लटक गेला बेटा, न संभल लो तो जा। अन्ना ही तो भैया, तो आप तो कहे थे तो बर्मी बाला बर्मी कहे थे, तो नहीं शुरू कराइएगा, करेंगे तो गोबर अपने व्यवस्था करना दिया ना, हम लोग दे देंगे। आओ पूछता है कि पूरी मारे भैया गोबर अपने हैं, मतलब गोबर ऊपर जितना चीज है हमने ले लोगे, अब बना उड़ा के उसका उसको शाम में बुला के पैसा और बिजली बिजली चाहिए। अरे वाह, इस तरह के बुद्धि वाला को नौजवान से क्या बनाया जा सकता है बताइए। एक लड़का हमको वही भैया जो हम सुर और काम देते हैं ना, तो हमको भीतर से हड़बड़ाहट होता है, हम कहे क्या होता है हर घबराहट, हम उसका चेहरा अपने ध्यान से देखेंगे, हम कहेंगे वो क्या क्या करता है रूम में थोड़ा बताए, क्या करते हैं है। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग, इतना सुंदर मुखड़ा कर दिया है, ऐसी जोशीली जवानी मिल जाए ताली पीटने वाली, क्या है ताली पीट के तो गड़बड़ा देते हैं आप लोग बातें, ऐसा ही श्रोता भी चाहिए जो बिना बातों के पांच बार ताली पीट बक्ता गड़बड़ा जाता है, बहुत बढ़िया बक्ता है, माफ करना भाई, ताली पीटने से अब काम नहीं चलेगा, आपको ताल ठोकने का जमाना आया है, अगर ताल नहीं ठोकेगा वो बेताल हो जाए, हमको क्या है हमारा ताली पीटेगा हम विदा के चले, आप पूछते विवेकानंद ने लिखा है कोई विचार किसी का तब तक भला नहीं कर सकता है, वो लिखे है कि मैं जान कैलिफोर्निया में जब स्पीच दे रहे थे वो लिखे है कि मैं जानता हूं कि तुम जितने श्रोता यहां बैठे हो जो मेरे विचार से खुश हो रहे हो, जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तुम अपने रास्ते पकड़ोगे, मेरा विचार वही तुम्हारे जीवन से उतर जाता है, विचार जब तक क्रिया योग में नहीं आएगा तब तक वो विचार आपके जीवन में कभी फायदा नहीं हो सकता, विचार एक बीज है और ये बीज है, इसलिए आप अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय साधना निश्चित रूप से करिए। फायर देव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो कोर्स है हमारे यहाँ, हमने तो अनुभव किया है, कई लड़के उसमें जो लिखते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, मैं आपको बता दूं कितना बढ़िया काम कहीं नहीं हो रहा है, जितना बढ़िया काम इसमें ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में हो रहा है, आप इसमें जरूर भाग लीजिए जो अभी तक भाग नहीं लिए, इसे सूचना पर ध्यान देंगे। ये इस बार मैं आप पुराने भाइयों से, कितने भाई पहले दिन आए हैं हाथ ऊपर करें तो पहले दिन आए हैं नीचे कर लें, जो पुराने भाई हैं वो सूचनाओं पर ध्यान देंगे, 100 साल का वर्ष 2012 नियमित सूर्य का उपासना करें, इस पर वैज्ञानिकों का भी कहना है कि सूर्य पर जो उथल पुथल हो रहा है इससे बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, लोग विक्षिप्त रहना शुरू करेगा, और जब वो विक्षिप्त होगा तो कहा जाए नीतीश कुमार ने उसका भी व्यवस्था कराया, पियो तो जाने जगह जगह खुलवा दिया, जहां नहीं था वहां खुलवा दिया,
एक काम को मेरे नजर में बड़ा खराब हुआ है, जगह मेरा शराब का दुकान। इसलिए सूर्य की उपासना जरूर करिए, ध्यान जरूर करिए। इस साल ध्यान जो आप उपासना करेंगे आता है सुरक्षा कवच काम करेगा। गुरुदेव का गायत्री सूर्यों का स्थान किताब पतला सा है, पढ़िएगा। उसमें गुरु जी ने लिखा है जो आध्यात्मिक मनोभूमि के लोग नहीं होंगे वो नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। पहले भ्रष्ट होंगे फिर नष्ट होंगे। इसलिए अगर आप भ्रष्ट हो रहे हैं नष्ट होना आपका निश्चित है, बच जाएंगे।